हेलो दोस्त, मैं अशोक कुमार आप सभी को अपने वाईफाई टोपे में स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, मैं आ गया हूँ क्वेश्चन लेके एसएससी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का। तो देखिए दोस्त, इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये बेसिक है दोस्त, ठीक ना। इससे पहले पार्ट वन में बता दिया था बेसिक, अब ये पार्ट टू चलेगा, ठीक है। तो क्या क्या देखिए, आम का मूल 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, इनमें 10% की कमी कर दिया गया, तो नया मूल क्या होगा। देखिए पहले कितना था, 20 रुपया है। अब उसमें देखिए, आप समझ लीजिए, यहाँ कर देखिए, पहले क्या है कि 20 रुपया है ना, देखिए 20 रुपया है, हो गया 20 रुपया। अब क्या कहा है कि 20 रुपया में 10% छूट देगा, 20 का 10% छूट देगा, है ना। तो देखिए 20 रुपया तो आपका हो ही गया पहले, अब क्या करा है, 20 का 10% छूट देगा। तो 10% को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 होगा। यहाँ से यहाँ इसको काट दीजिएगा, ठीक, ये 0 से ये 0 कट गया, तो बचा कितना, यहाँ पर 2 हो गया, हो गया ना 2। पहले कितना रुपया था, 20 रुपया, पहले 20 रुपया था। अब क्या कराया कि 2 रुपया घटा देने के लिए, तो क्या करेंगे, 20 में से 2 रुपया घटाएंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, 18 रुपया। क्लियर दोस्त, समझ में आ गया, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर देखिए इसका बेसिक क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपया है आपके पास, कितना है, 100 रुपया है, ठीक ना। तो एक्स है तो एक्स का 10% बढ़ा दिया, तो कुछ नहीं करना, एक्स प्लस कर देना, और एक्स का 10% या वाई परसेंट, मान लीजिए, मान लीजिए वाई परसेंट बढ़ा दिया, वाई परसेंटेज बढ़ा दिया गया है, तो क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हटाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, 100 डालेंगे कि नहीं डालेंगे, डाल देंगे। तो क्या करेंगे, अब देखिए जब ये दोनों का हम बट्टा वगैरह जोड़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 100x प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में ये, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। अब क्या कीजिएगा कि देखिए ये जो है, इसमें से कॉमन क्या होगा, एक्स कॉमन होगा, तो एक्स बाहर ले लीजिए, तो बचा क्या यहाँ पर, 100, उसके बाद क्या बचा, वाई बट्टा में क्या होता है, 100। क्लियर दोस्त, ये बचा, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा भी फार्मूला हो गया, डायरेक्ट फार्मूला है ना, डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं, क्या है, एक्स इंटू एक्स हो गया आपका रुपया, यहाँ पर 100 प्लस y, जितना परसेंट बढ़ेगा उसमें बट्टा में 100 कर देंगे। जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन में यहाँ पर डाल रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने कुछ प्राप्त अंकों को 15% बढ़ाकर अपना कुल अंक इतना रुपया बताया, तो विद्यार्थी का मूल अंक बताइए। क्या कह रहा है कि देखिए, कुल प्राप्त अंक को जितना भी अंक था ना, उसमें क्या क्या 15% बढ़ाकर अपना अंक बताया, इतना है मेरे पास। देखिए कहने का, तो उसको अंक कितना वो हमको नहीं पता है, है ना, कितना है वो हमको पता नहीं है, तो वो क्या होगा, मान लीजिए एक्स मान सकते हैं आप उसको, ठीक ना, क्या है उसको आप क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं दोस्त, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कह रहा है कि कितना पैसा उसको वो नहीं पता, मगर वो बढ़ा दिया है, तो मान लेते हैं क्या वो एक्स था, क्या एक्स था, और एक्स को हम लोग क्या लिखे थे, एक्स इंटू क्या लिखेंगे, 100 प्लस क्या करा, 15% बढ़ गया ना, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, ठीक ना, बढ़ गया तो क्या करेगा, प्लस कर देना, अगर माइनस हो, अगर सॉरी बढ़ गया तो प्लस होगा, अगर मान लीजिए कहते हैं घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, माइनस कर सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। फिर देखिए क्या करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पर 100 डाल देना, ठीक, उसके बाद कितना करा है, 575 आता है, ठीक ना, कितना था, 575। अब इसको आराम से कर लीजिए, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 115, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 575 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करना है कि इसको काट भी सकते हैं, यहीं पर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसान हो जाएगा। देखिए 5 से काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 15 10 15 10 हो जाएगा, ठीक, 15 10, सॉरी एक मिनट रुकिए, 15 10 1 0, 5 से काट सकते हैं, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी काट दीजिए 5 से, तो 15 10 हो जाएगा, फिर 5 15 हो जाएगा, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, 5 2 10 हो गया था, एक मिनट, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए इसको हम 5 से काट देते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर करते हैं क्या कि इसको 5 से काटना था ना, तो चलिए 5 से काट देते हैं इसको, सॉरी, तो यहाँ पर 5 से काटेंगे, देखिए हाँ 5 दूना 10, 1 0 20 हो गया, ठीक ना, तो अब मेरा पास क्या हो गया, देखिए तो अब लास्ट क्या हो गया, एक्स इंटू 23 अपॉन 20 बराबर क्या करेंगे, 575 है ना, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, तो एक्स बराबर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 575 × 20 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या कीजिएगा, 23 को आप इसको काटिए, ठीक ना,
23 से जब आप इसको काटेगा तो आप कितना हो जाएगा सोचिए थोड़ा। आप इसको 23 से हम काट के देखेंगे क्लियर ना। तो देखिए जैसे आप इसको हम 23 से काटेंगे मान लीजिए, तो मेरा यहाँ पर हो कितना जाएगा देख लेते हैं ठीक ना दोस्त। एक बार देख लीजिए कितना से कटेगा क्लियर। तो दोस्त ये जो कटेगा देख लीजिए, इसको हम काट के देखते हैं एक बार। तो ये 23 हुआ, जब 23 को आप काटेगा इसमें 575 में, तो देखिए 23 दूना कितना हो जाएगा आप मेरा 46 हो गया। उसके बाद बचा कितना 46 के बाद आपको बचेगा इसमें 4 ठीक ना, अर्थात बचा 7 7 11 125 ठीक ना। तो आप इसको काट दीजिए फिर से, तो कितना हो जाएगा इसको 5 से काट दीजिएगा, 5 से कट जाएगा ये टैक्ट। तो कितना बचा मेरे पास 25 × 20, तो टोटल कितना हो गया 25 × 50 मतलब कितना होगा 500 ठीक ना। क्या था पहले जो उसका अंक था कितना था 500 रुपया था क्लियर। तो यही चीज़ है दोस्त, ये बेसिक है। अब जो मैं लेके आऊँगा उस जो होगा वो दोस्त थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो दोस्त आज के लिए थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच।